तो हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं क्रिकेट सुपर फैंस, मैं हूं रफी। तो आईपीएल 2022 में आईपीएल की दो नई टीमों के आने से आईपीएल का रोमांच काफी ज्यादा बढ़ चुका है। जहां एक तरफ आईपीएल 2022 के लिए लखनऊ की टीम ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है, अपना हेड कोच, अपना मेंटोर, असिस्टेंट कोच, जबकि अपना कप्तान और अपने खिलाड़ियों को भी साइन कर लिया है। वहीं दूसरी ओर सभी फैंस के मन में सवाल है कि आखिर अहमदाबाद टीम का कौन होगा हेड कोच, कौन होगा इस टीम का कप्तान और इस टीम में वो कौन कौन से खिलाड़ी शामिल होंगे मेगा ऑक्शन से पहले प्री पिक में यानी कि ड्राफ्ट में। इस वीडियो में आपको पूरी विस्तार से अहमदाबाद टीम के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। जहां आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आईपीएल 2022 के लिए लखनऊ की इस नई फ्रेंचाइजी ने अपना हेड कोच बनाया है एंडी फ्लावर को, जबकि अपना मेंटोर घोषित किया है गौतम गंभीर को, तो वहीं अपना असिस्टेंट कोच अनाउंस किया है विजय दिव्या को। तो वहीं कप्तान के तौर पर लखनऊ की टीम ने आईपीएल 2022 के लिए केएल राहुल को चुना है अपना कप्तान, जबकि खिलाड़ी के तौर पर टीम में शामिल किया है राशिद खान और ईशान किशन। इन तीन खिलाड़ियों को प्री पिक में यानी कि स्पेशल पिक में शामिल किया है मेगा ऑक्शन से पहले रिपोर्ट्स के अनुसार। वहीं अगर हम बात करें अहमदाबाद के बारे में, तो अहमदाबाद की टीम ने अब तक कुछ भी ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया। वजह यह है कि अहमदाबाद टीम के जो ओनर्स हैं, सीबीसी पार्टनर्स हैं, वो केस में फंसे हुए हैं सट्टेबाजी के केस में और उन पर फिलहाल जांच चल रहा है। और जब तक बीसीसीआई की तरफ से इन्हें इंटेंट ऑफ लेटर नहीं मिल जाता, तब तक ये आधिकारिक तौर पर कुछ भी अनाउंस नहीं कर सकते हैं और इसका फैसला जल्दी होने वाला है और उम्मीद है कि कैपिटल्स पार्टनर्स के हक में ही होने वाला है। लेकिन अंदर ही अंदर अहमदाबाद की टीम ने अपने खिलाड़ी कोच सबसे बातचीत कर ली है, जिस तरह से लखनऊ की टीम ने अपना सब कुछ फाइनल कर लिया है। तो बात करें अहमदाबाद के कोच के बारे में, तो रिपोर्ट्स के अनुसार अहमदाबाद की टीम ने दिग्गज टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर और भारतीय टीम के पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री से बातचीत किया है अपना हेड कोच बनाने के लिए। और अगर रवि शास्त्री अहमदाबाद की टीम के हेड कोच बनते हैं तो फिर यह अहमदाबाद के लिए बहुत ही बढ़िया फैसला होगा। बात करें अहमदाबाद टीम के उन तीन खिलाड़ियों के बारे में जिन्हें मेगा ऑक्शन से पहले प्री पिक करना है, अपनी टीम में शामिल करना है और इनके कप्तान के बारे में, तो रिपोर्ट्स के अनुसार अहमदाबाद की टीम ने भी अंदर ही अंदर खिलाड़ियों से डील कर ली है और ये डील फाइनल भी हो चुकी है। रिपोर्ट्स के अनुसार अहमदाबाद टीम के कप्तान बनने वाले हैं श्रेयस अय्यर, जिनका नाम कन्फर्म बताया जा रहा है। बात करें इसके अलावा तो दूसरे खिलाड़ी के तौर पर अहमदाबाद की यह फ्रेंचाइजी हार्दिक पांड्या को अपनी टीम में शामिल कर रही है, जो शानदार बेहतरीन ऑलराउंडर हैं, जबकि तीसरे खिलाड़ी के तौर पर यह टीम डेविड वार्नर को अपने टीम में शामिल कर रही है। तो अहमदाबाद की टीम में श्रेयस अय्यर कप्तान होंगे, जबकि केएल राहुल और डेविड वार्नर इनकी टीम में शामिल होने वाले मेगा ऑक्शन से पहले प्री पिक में मिनी ड्राफ्ट में। तो गाइस, ये अहमदाबाद की टीम को लेकर सभी अपडेट्स अब तक जो भी आई हैं। हालांकि सीबीसी कैपिटल्स जो पार्टनर हैं, उन पर फैसला आने के बाद ही अहमदाबाद की यह नई फ्रेंचाइजी ऑफिशियली अपने खिलाड़ी और अपने कोच और कप्तान सब कुछ अनाउंस कर देगी। लेकिन फिलहाल ये रिपोर्ट है जो लगभग कंफर्म और फाइनल हो चुका है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो भी फटाफट ज्वाइन कर लें, उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां आप वर्ल्ड में सबसे फास्ट क्रिकेट की हर अपडेट सबसे पहले पा सकते हैं। यहां पर दुनिया में सबसे तेज अपडेट्स दी जाती है क्रिकेट की, जबकि आप इंस्टा फेसबुक पेज को भी लाइक फॉलो कर सकते हैं।